वो सब गाइस गाइस रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग किस तरीके से अपने माइनक्राफ्ट के अंदर मोड्स को इंस्टॉल कर सकते हो। अब मोड्स के साथ साथ ग्राफिक्स भी एक इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करते हैं। वैसे तो मैं माइनक्राफ्ट के अंदर ओरिजिनली डिसेंट ग्राफिक्स दिए जाते हैं जो कि एक नॉर्मल ग्राफिक्स ही है, बट अगर आप लोग अपने माइनक्राफ्ट के अंदर और भी ज्यादा बेस्ट शेडर्स या और भी ज्यादा बेस्ट ग्राफिक्स मोड्स को इंस्टॉल करना चाहते हो तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। बिकॉज आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग किस तरीके से अपने माइनक्राफ्ट के अंदर न्यू ग्राफिक्स या न्यू शेडर्स को इंस्टॉल कर सकते हो, वो भी अपने लो एंड पीसी के साथ। यस गाइस, अगर आप लोगों के पास भी एक लो एंड मशीन है या आपके पीसी के अंदर ग्राफिक कार्ड नहीं है तो आप लोग अपनी माइनक्राफ्ट के अंदर इन शेडर्स को इंस्टॉल करके इनको एंजॉय कर पाओगे अपने गेम प्ले के अंदर। इन शेडर्स के अंदर आपको सेटिंग्स भी दी जाएगी जिसको आप लोग अपने पीसी के हिसाब से सेट कर सकते हो। तो आज की वीडियो को आप लोगों ने कहीं से भी स्किप नहीं करना है, आज की वीडियो को आप लोगों ने कंप्लीट वॉच करना है। बिकॉज अगर आपकी गेम के अंदर मोड इंस्टॉल नहीं हुआ तो कमेंट करके मुझे मत बोलना। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करो और चेक करते जाओ कि हम लोग क्या क्या इंस्टॉल करते हैं अपनी गेम के अंदर। तो उससे पहले अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर चेक कर सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन दबा दो। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस डिस्क्रिप्शन में जो आपको फर्स्ट लिंक मिलेगी आप लोगों ने उस पर क्लिक करना है, देन आप लोगों ने यहाँ से शेडर पैक को यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। इसके साथ साथ आपको जरूरत पड़ेगी ऑप्टिफाइन की, बिकॉज इसी की हेल्प से हम लोग अपने गेम के अंदर शेडर्स को रन करने वाले हैं। इसके बगैर आपकी गेम के अंदर शेडर्स या ग्राफिक्स इंस्टॉल नहीं होंगे। तो आप लोगों ने अपने वर्जन के हिसाब से ऑप्टिफाइन को भी यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। तो इन दोनों को डाउनलोड करने के बाद आप लोगों ने इस फोल्डर में आ जाना है जहाँ पर आपके जो मोड्स हैं वो डाउनलोड हुए हैं। तो हम लोग उस फोल्डर की तरफ चलते हैं जहाँ पर हमारे जो मोड्स हैं वो डाउनलोड हुए। तो ये हमारा फोल्डर है मोड्स का जिसके अंदर हमारी दोनों फाइलें यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी हैं। तो उसको ओपन कर लेना है और आप लोगों ने क्या करना है, ऑप्टिफाइन की फाइल पर डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने इंस्टॉल के बटन पे क्लिक कर देना है, एंड देन यहाँ पर आप लोगों ने ओके पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपकी जो इंस्टॉलेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो गाइस यहाँ पर आप लोग चेकआउट कर सकते हो, ऑप्टिफाइन सक्सेसफुल इंस्टॉल्ड हो चुका है। यहाँ पर आप लोगों ने ओके करना है, एंड देन अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ पर माइनक्राफ्ट के लॉन्चर की ओपन फाइल लोकेशन कर लेना है और यहाँ पर आने के बाद आपको एक न्यू फोल्डर देखने को मिलेगा शेडर्स पैक नाम का। अगर आपको यहाँ पर फोल्डर का नाम भी दिखाई दे तो आप लोगों ने यहाँ पर राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर क्रिएट करना है और इसका नाम आप लोगों ने ये रख लेना है, शेडर्स पैक। कुछ इस तरीके से आप लोगों ने लिखना है, आप लोग यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। आप लोगों ने इस फोल्डर का नया नेम रखकर आप लोगों ने इंटर कर देना है। अब आप लोगों ने इस फोल्डर में आना है और यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अगेन से मोड्स के फोल्डर में आना है और यहाँ पर आप लोगों ने शेडर्स पैक पर राइट क्लिक करके इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप लोगों ने इस फोल्डर में आना है और यहाँ पर आप लोगों ने दूसरी साइड पे वही शेडर्स पैक का फोल्डर खोल लेना, माइनक्राफ्ट वाला। अब आप लोगों ने क्या करना है, इस शेडर्स पैक के फोल्डर में आना है और यहाँ पर इन तीनों फाइल्स को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है शेडर्स पैक के फोल्डर के अंदर, कुछ इस तरीके से। अब हमारे गेम के अंदर शेडर इंस्टॉल्ड हो चुके हैं और हम लोग अपनी गेम प्ले की तरफ चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग किस तरीके से इन शेडर्स को अप्लाई कर सकते हो। तो ऑलरेडी गाइस अभी हम लोग अपने गेम प्ले की तरफ आ चुके हैं। यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपना पॉज मेन्यू में चले जाना है और यहाँ पर आप लोगों ने ऑप्शंस में आ जाना है। यहाँ पर आप लोगों ने वीडियो सेटिंग्स में आ जाना है, एंड देन यहाँ पर आप लोगों ने शेडर्स के ऑप्शन पे क्लिक कर देने। तो ये हमारे शेडर्स और यहाँ पर आपके सामने लिस्ट आ जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इजी शेडर को अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, जिस शेडर को अप्लाई करना चाहते हो आप लोगों ने उस पर डबल क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मैं इजी शेडर पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर हमारा शेडर अप्लाई हो चुका है। आप लोग यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो, ग्राफिक्स टोटली चेंज हो चुके हैं। आप लोग यहाँ पर ग्राफिक्स क्वालिटी चेकआउट कर सकते हो, कितना ज्यादा ऑसम हो चुका है। यहाँ पर आप लोग लेंस फ्लेयर देख सकते हो, शेडोज देख सकते हो, वाटर की रिफ्लेक्शन भी देख सकते हो, इतने ज्यादा ऑसम हो चुके हैं माय ग्राफिक्स। और ये टोटली लो एंड पीसी के लिए, आप लोग अपने लो एंड मशीन के अंदर बहुत ही इजीली एंजॉय कर सकते हो अपनी गेम के अंदर। अब अगर यहाँ पर ये शेडर आपके पीसी के अंदर फिर भी लैग कर रहा है तो आप लोगों ने क्या करना है, अगेन से आप लोगों ने पॉज मेन्यू में जाना है, ऑप्शन में वीडियो सेटिंग में जाना है, एंड देन यहाँ पर शेडर्स में आना है और यहाँ पर आपको शेडर ऑप्शन देखने को मिलेंगे। यहाँ से आप लोग अफेक्ट्स वगैरह ऑन ऑफ करके चेकआउट कर सकते हो। जब आपकी गेम स्मूथ हो जाए तो आप लोगों ने डन कर देना है और यहाँ पर भी आपको साइड में ऑप्शन देखने को मिलेंगे। जैसे मैंने नॉर्मल मैप ऑफ कर दिया, इससे आपके एफ में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस आता है। तो आप लोग इसको लाजमी से ऑफ करो अगर आपके पास बहुत ज्यादा ही लो एंड पीसी है। तो यहाँ पर मैं इसको ऑन कर देता हूँ और मैंने इसको अगेन से यहाँ पर ऑन कर दिया है। अब आप लोग यहाँ पर और शेडर्स को भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर 16 शेडर को अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पर हम लोग 20 वाले को चेकआउट करेंगे और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसके भी ग्राफिक्स हमारे चेंज हो चुके हैं। यहाँ पर आप लोग चेकआउट कर सकते हो कितना ज्यादा ऑसम दिखाई दे रहा है। आपकी गेम के अंदर क्लाउड्स को भी चेंज करके रियल लाइफ इंस्पायर्ड क्लाउड्स एड कर देगा। और यहाँ पर आप लोग वाटर क्वालिटी देख सकते हो, शेडर क्वालिटी भी आप लोग देख सकते हो। ये भी टोटली लो एंड के लिए और लो एंड के लिए मैं यहाँ पर कहता हूँ ये वन ऑफ द बेस्ट शेडर है। अब हम लोग यहाँ पर दूसरे शेडर को अप्लाई कर लेते हैं। अगेन से ऑप्शन में जाना है, वीडियो सेटिंग में जाना है, यहाँ पर आप लोग ने शेडर्स में आना है। यहाँ पर हम लोग इस वाले शेडर को भी अप्लाई कर देते हैं, सेकंड शेडर को, अल्ट्रा फास्ट को। यहाँ पर आप लोग चेकआउट कर सकते हो, अप्लाई हो चुका है। यहाँ पर आप लोगों ने सेटिंग्स के अंदर आपको उसके अंदर काफी सारी सेटिंग देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर आप लोगों ने अपने पीसी के हिसाब से प्रोफाइल को सेट करना है। जैसे यहाँ पर मैं एक्सट्रीम प्लस सेट कर देता हूँ एंड देन यहाँ पर डन कर देता हूँ और हमारे ग्राफिक्स और भी ज्यादा एनहांस हो जाएंगे। आप लोग इन प्रोफाइल्स को लाजमी से सेट करना। तो यहाँ पर आप लोग ग्राफिक की क्वालिटी चेकआउट कर सकते हो। आप लोग सामने क्लाउड भी देख सकते हो, वाटर रिफ्लेक्शन देख सकते हो, कितने ज्यादा ऑसम हो चुकी है। और ये वन ऑफ द बेस्ट शेडर है हमारे लो एंड पीसी के लिए, आप लोग यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। और ये मेरा पर्सनल फेवरेट शेडर है।
तो वह देखिए आज की एक सिंपल सी वीडियो जिसकी हेल्प से आप लोग अपने माइनक्राफ्ट के अंदर शेडर्स को इंस्टॉल कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद है वीडियो को लाइक जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन भी दबाओ। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।